नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका वरदान न्यूज में और मैं हूँ आपके साथ लैला शाहिया। चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की खबरों के साथ। कानपुर नगर की पुलिस क्या फिर से बर्रा तथा फजलगंज जैसी घटना को दोहराना चाहती है? आपको बता दें, मामला थाना बेकनगंज अंतर्गत अमीनगंज हाते का है, जहां पर खड़े बूढ़े बुजुर्ग अब्दुल हक अंसारी के साथ महजबीन एवं उनके पुत्र के द्वारा अब्दुल हक अंसारी के साथ मारपीट की गई। अमीनगंज के फाटक पर बैठे हुए कि महजबी आई और वो हमको मारना शुरू कर दिया। ये महजबी कौन है? ये महजबी हमारे निवासी की सास है। अच्छा, तो किस बात पे मारा इन्होंने? इन्होंने इस बात पर हमको मारा कि क्या कहते हैं कि ये हमारे लड़की के दामाद, लड़की का दामाद जो है वो उसने भेजा था उनको मारने के। अच्छा, और उनको ये धमकी दी गई कि अगर न्यायालय का मुकदमा वापस नहीं लिया तो अंजाम बहुत ही बुरा होगा। जी हाँ, अभी तो हमने सिर्फ ट्रेलर देखा है, पिक्चर तो अभी बाकी है। ऐसा कहते हुए महजबीन और उनके दबंग लड़के वहाँ से चले गए। पीड़ित बुजुर्ग इसकी शिकायत थाना बेकनगंज में की तो पीड़ित बुजुर्ग को आश्वासन देकर वहाँ से भेज दिया गया। मारने वाले खुलेआम घूम रहे और लगातार अब्दुल हक अंसारी पर दबाव बना रहे कि पूरी पिक्चर देखनी है क्या। हमने नजदीकी दायरे बेगंज में दी थी, लेकिन क्योंकि अभी तक मेरी सुनवाई नहीं हुई है। तो क्या थाने से क्या आश्वासन दिया गया, कब कब आपने दी थी इसकी तहरीर? मैंने ये कल ली थी। अच्छा, तो अभी तक की क्या कार्रवाई उस पर? अभी तक की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अच्छा, अभी तक की कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो आप मीडिया के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं? मीडिया के माध्यम से हम ये देना चाहते हैं कि हमारा क्या कहते हैं कि हमारे साथ इंसाफ हो। अच्छा, इंसाफ, आपको न्याय मिलेगा। और आप ये मत सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है मुस्लिम समाज के लिए बहुत कुछ कर रही है और उसकी जिम्मेदारी है मेरे ऊपर कि मुस्लिम समाज में जाकर मुसलमानों को काम करिए। तो हमारी कोशिश ये है कि हमारे लोग को इंसाफ मिले। अगर कोई बात, अगर आपको दिक्कत अगर आए तो तुरंत बताइए और अपने परिवार को मसला नहीं हो बताइए हमको। क्या लगता है आपको, उम्मीद है कि नहीं इंसाफ मिलेगा? नहीं मिलेगा, इसलिए तो मैं यहाँ आया हूँ ताकि हाँ हमको इंसाफ मिले। आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी तमाम खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए वरदान न्यूज।